हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन एंड सूरज बाइक ड्राइव करते हुए आज हम लोग फर्स्ट टाइम निकले हैं. फर्स्ट टाइम कहेंगे हम लोग, है ना, फुर्सत के पलों को एंजॉय करते हुए. घूमने के हिसाब से हम लोग फर्स्ट टाइम ही अभी निकले हैं. रात में अभी कुछ बज रहे हैं 10:30, और बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे प्लान बना. चूँकि अब सैटरडे है तो हम लोग सोचे थोड़ा घूम लेते हैं. हम लोग निकले हैं अभी अपनी हिमालयन को लेके, और सोचा कि गाड़ी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, वो भी आपसे शेयर कर दिया जाए. तो ये वीडियो इसी के बारे में रहेगा. हम लोग अभी निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, बस ऐवे ही निकले हैं. तो भाई रात के टाइम में हिमालयन की सवारी, थोड़े से ख़राब रास्तों पे, जिसके लिए हिमालयन बनी हुई है, मतलब एक्सपर्ट है ख़राब रास्तों पे मज़े देने के लिए. तो हम लोगों के घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर पे जाके ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ ट्रैक आ जाता है, जिसके लिए दूर दूर जाते हैं लोग. तो वी आर प्रिविलेज्ड कि हमें ऐसा वाला जो रोड है वो यहीं मिल जाता है घर के पास ही. तो ऑफ रोडिंग का मज़ा तो ऐसे ही आ जाता है, और ऑफ रोडिंग करते हुए इतना तो समझ में आ जाता है कि हिमालयन इज़ टू गुड इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट. क्यों सुमो? बिल्कुल, लेट इट बी राइडर हो या पिलियन हो, दोनों के लिए ही बहुत ही कम्फर्टेबल है. बहुत ही मज़े से आप लंबे से लंबा रास्ता इसमें आप कवर कर सकते हो. और जहाँ तक पिकअप की बात है तो उस पर मैं अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी चली है 268 किलोमीटर्स ओनली. 500 किलोमीटर तक इसको मुझे थोड़ा कंट्रोल में चलाना पड़ेगा स्पीड को, बिकॉज जब तक फर्स्ट सर्विस हो नहीं जाती है तब तक एक लिमिट में ही चलाना पड़ेगा. फर्स्ट सर्विस के बाद जाके फिर हम लोग इसका असली मज़ा ले पाएंगे. तो एज ऑफ नाउ इस गाड़ी को जो चलाने का जो फील है, बस मैं वो शेयर कर पाऊँगा. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बस 268 किलोमीटर ही गाड़ी मैंने इसको अभी तक चलाई है, और मज़ा आ रही है इस गाड़ी को चलाने के लिए. ऊँची है और जब बैठते हैं इस पे ना तो एक अलग ही फील रहता है, एक रॉयल एनफील्ड का जो रॉयल वाला फील है ना, ऐसा लगता है जैसे कि शेर की सवारी कर रहे हैं. एग्जैक्टली, सो अलग ही मज़ा आता है. और मेरे लिए तो मुझे तो और भी ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैं करीब करीब 1.5 साल के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ. 1.5 साल पहले मेरी जो FG थी वो चोरी हो गई थी, उसके बाद से मैंने बाइक लिया नहीं था, और मैं इसी चक्कर में था कि कौन सी लेनी है क्या लेनी है. और फाइनली हिमालयन पे हमने जीरो डाउन किया. तो जब हमने डिसाइड किया कि हमें हिमालयन लेनी है तो भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत कुछ चल रहा था, ये लें या डोमिनार लें या कौन सी लें. बट फाइनली हमारा दिमाग इस पे आके रुक गया कि भाई हिमालयन ही लेनी है, और फिर फाइनली हमने हिमालयन खरीद ले लिया. एंड इसको चलाने का लिटरली बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है. स्पेशली मुझे, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1.5 साल के बाद बाइक हाथ लगाया है, इसके बीच में मैं स्कूटी चला रहा था और कार चला रहा था. तो स्कूटी इज़ लाइक मेरे पास ग्रेजिया है, तो ग्रेजिया इज़ लाइक 125 cc की स्कूटी है, एंड दिस बाइक इज़ अगेन 400 cc की बाइक. तो भाई डिफरेंस तो है और मज़ा दे रही है. सो भाई हम लोग थोड़ा सा रुक गए. ये जो रास्ता है, रात का समय है और बहुत सारी जगहों पे लाइट तो दिख नहीं रही है, तो अंधेरे अंधेरे में हमें मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हमें ही नहीं दिखाई दे रहा है, और हम लोग ये वीडियो बनाए जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को. इसलिए हमने एक जगह पे लाइट में रोका है गाड़ी को और वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं. रोड साइड में खड़े हैं मज़ा लेते हुए. हम लोग अभी जा रहे हैं बस हाईवे, कहीं तो निकल गए हैं, कहीं तो घूम के आ जाएंगे. हाँ, कहीं तो घूम के आ जाएंगे, बस ऐसा वाला है. तो बस निकले हैं और बाइक चलाने का लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है. एक अलग ही फील है इस गाड़ी को चलाने का, वो मैं ले रहा हूँ अभी. एंड आप लोग, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे, मेरे चैनल पे हिमालयन के बारे में बीच बीच में मैं वीडियोस डालता रहूँगा. इसका रिव्यू भी बनाऊँगा डेफिनेटली. दिस इज़ द न्यू वाला, जो सबसे नया वाला हिमालयन है वो है ये. 2021 का जो अपग्रेड आया है उसके बाद का बना हुआ ये बाइक है. तो ये लेटेस्ट वन है, इसमें सारे फीचर्स और लेटेस्ट वाले सब कुछ है इसमें. नेविगेशन और सारी चीज़ें दे रखी हैं. बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी समझना बाकी है. सो विल लर्न एंड देन आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप लोगों को ये वीडियो के कंटेंट मिलते रहेंगे. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय.